हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट के सीआईएसआई के सेशन में। कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स का सेशन हम लोग प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, एज वेल एज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी चीजें सीखने को मिलती है, जो भी सवाल आप बनाते हैं मेंस में, उसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट या एक बेसिक ट्रिक जरूर पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तब जाके आप मेंस लेवल का सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वरना वहां पे भी परेशानियां आपकी जो है वो बढ़ सकती हैं। तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। इसका पार्ट वन भी अपलोड हो चुका है। थंबनेल में आपको जो सवाल दिख रहा था, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कितना समय लगता है इस सवाल को बनाने में, अगर आप डायरेक्ट उस सवाल पे जाना चाहते हैं तो लास्ट सेकंड सवाल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अगर आप चीजों को और अच्छे से सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उस सवाल तक भी हम लोग जाएंगे और चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग बात किए थे इफेक्टिव रेट का। अगर आपको इफेक्टिव रेट के बारे में मालूम है तो आप सेशन को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट वन को देख लें, तब आप पार्ट टू की ओर आगे बढ़ें। तो बिना देरी किए चलिए सेशन को हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। कार्तिक लेंड्स अ सर्टेन अमाउंट टू विग्नेश, विग्नेश को सर्टेन अमाउंट लेंड करता है ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20%, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और 2 साल के लिए। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20% गुने में 2 यानी कि 40%। विग्नेश गिव्स दिस एंटायर अमाउंट, ये सारा पैसा जो है विग्नेश कमल को दे देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए एट सेम रेट एनुअली, वही रेट पे एनुअली। तो 20% का 2 साल, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि 20% और 10% का आपको याद होना चाहिए मिनिमम 2 साल, और 10% का 3 साल भी आपको याद होना चाहिए। सब काफी ज्यादा रिपीटेड नंबर होते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो 20% का आप ऐसे निकालेंगे 20 + 20 और 20 × 20/100 2 साल के लिए, यानी कि ये दे देगा आपको 44%, यानी विग्नेश को जो है उसने दिया 44%। अब यहाँ से सवाल उठता है कि फाइंड द परसेंटेज अर्निंग ऑफ विग्नेश, विग्नेश का परसेंटेज अर्निंग बताना है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल पे, ठीक है। अब देखो 2 साल पे अर्निंग बताना है, उसे देना था 40% और उसने कमाया उसी पैसे से 44%, तो उसे मुनाफा कितने का हुआ, 4% का। तो परसेंटेज अर्निंग ही बताने के लिए बोला है ना, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी 4%, खत्म। जस्ट इफेक्टिव से कितनी आसानी से सवालों को बना सकते हो, ये चीज देखो, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप जाके उस सेशन को देखिए और उसके बाद फिर चीजों को समझिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सा इस सवाल में देखो क्या ट्विस्ट है। राहुल सेव्स एन अमाउंट ऑफ 800 एवरी ईयर, हर एक साल जो है वो 800 रुपये बचाता है। मैं इसका ना थोड़ा फॉर्मूला बेसिस पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट समझा, ठीक है। एंड देन ही लेंट दैट अमाउंट एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% और उसे फिर 10% पे लगा देता है कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना अमाउंट होगा ये बताना है, ठीक है। अब सिंपल सा समझो, हर साल वो 800 रुपये लगा रहा है, तो पहला साल जब उसने लगाया होगा तो इस 800 पे उसे क्या मिला होगा, 10% का मिला होगा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर उसने दूसरा साल 800 बचाया और उसे फिर से लगाया 10% पे, तो उसे कितना मिला होगा, 2 साल के लिए। और फिर उसने 800 तीसरे साल भी लगाया और उसने ये 1 साल, हमारा इसे सॉल्व करूंगा तो ये हमारा फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। अब चीजों को समझो कि मुझे अमाउंट जानना है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर 10% समझो, एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ, 10% 2 साल के लिए है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ जो निकलता है, इफेक्टिव रेट सीआई फंक्शनिंग पे वो निकलता है 21% का। अगर मुझे सीआई पूछता है तो मैं क्या करता हूँ, पी गुने 21%, और मुझे अगर अमाउंट पूछता है तो मैं क्या करता हूँ, पी गुने 121%। मैंने पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अब यहां से समझो कि सवालों को हम लोग को देखना नजरिया क्या है, मेरा 3 साल का है, तो 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो होता है 33.1%। चूंकि मुझे एक बार 3 साल के लिए बात करना है, एक बार 2 साल के लिए बात करना है और एक बार 1 साल के लिए बात करना है, ठीक है। और बात इंटरेस्ट पे नहीं करना है, बात किस पे करना है, अमाउंट पे करना है। जब 33.1% हमारा 3 साल के लिए होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 133.1%, 100 बढ़ के हो जाएगा ना। जब 2 साल के लिए 21% होगा तो 121%,
अब भैया एक साल के लिए तो 10%, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 110%। इसे तुम ऐड कर दो, पॉइंट में 1%, ठीक है, 3 और 1 4, 3 2 5 और 1 6 और इधर से 3, 364 पॉइंट में 1%। ये पूरे 800 रुपए का कहानी इतना परसेंट देगा वो 3 साल में, जैसे भी वो बचाए, ठीक है, वो जैसे भी बेच रहे लगा रहा है उसके लिए हमारा इफेक्टिव जो निकल के आ गया, वो फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग इफेक्टिव जो निकल के आ गया वो 364 पॉइंट में 1%। अब सवाल देखो कितना आसान हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, जस्ट 800 का 364 पॉइंट में 1% निकालना। इस परसेंट से 2 0 खत्म हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8 8 4 जा 32 का 2, 3 हाथ में, 8 6 जा 54 और 3 57, सॉरी 8 6 जा 48, 48 और हाथ में कितना था, 8 4 3 था, 48 और 3 कितना हो गया, 51 का 1, 5 हाथ में, और 8 3 जा 24 और 5 कितना हो गया तुम्हारा, 29, यानी 2912 पॉइंट में कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया, और यही हमारा क्या हो गया इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, क्या तुम ये निकालने में टाइम वेस्ट करोगे जो मैंने यहाँ पे तुम्हें अभी समझाने के लिए बताया। तुम्हें अगर याद रहेगा तो तुम तुरंत 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 करके निकल जाओगे, ठीक है, और नहीं भी याद रहेगा किसका किसी अगर कोई यहाँ तो 10%, अगर कोई और भी फंक्शनिंग देता है, कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो भी उसी तरीके से आसान कर सकते हो, ठीक है। जस्ट एक 3 साल में थोड़ा सा डिसिमल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी घबराना मत, वरना ऐसे जाने में तुम्हारा उस केस में और ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो क्या, अगला देखो क्या बोल रहा है हमारा। डिफरेंस बिटवीन टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंस बोल रहा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड होते हुए, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए जो है वो कितना है, 450, ठीक है, सेम रेट पे, सेम मनी पे, 2 साल के लिए, CI और SI का अंतर जो है वो 450। दो फॉर्मूला यहाँ से समझो पहले, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो लोग यहाँ देख रहे हो ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ सारा वीडियो को ना शुरू से अंत तक देखा करो। बहुत सारा मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि मैं सारा चीज जो है वो सवालों के साथ ही लेके चलो, ठीक है। जब हमारा 2 साल होता है, 2 साल के लिए डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, और 3 साल के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर और 300 + R/100, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, सवाल बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। अब देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, तुम्हारा डिफरेंस दिया हुआ है 450, ठीक है, ना मुझे पी मालूम, ना मुझे रेट मालूम, टाइम बस मालूम है 2, तो बच गए मेरे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है, एक ऑप्शन हो गया डाटा। 2 वेरिएबल है होता है तो 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं इन जनरल टर्म, सिमिलरली 3 वेरिएबल होता है तो 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं इन जनरल टर्म, ये ध्यान में है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय विवेक एंड विमल, विवेक और विमल के इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 405 रुपए, अंतर लिख दिया 405, किस पे, 4500 रुपए, मतलब दोनों के 4500 रुपए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, दोनों का 3 साल के लिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेट, रेट में अंतर, ठीक है, जब सब चीज बराबर ही है तो रेट में अंतर के लिए क्या ही मगजमारी करना, ठीक है, डायरेक्ट लिखो 4500 गुने में 3, मान लो कि दोनों का रेट का अंतर जो है वो है 1, यही यहाँ पे R1 - R2 जाता, हो गया खत्म, 45 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से काट दो 3 बार में, 1 की वैल्यू निकल के आ गई 3%, मतलब दोनों के रेट में जो अंतर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3%, एज सिंपल, जब सब चीज इक्वली है तो एक रेट का ही है ना, तो R1 - R2 को मान लिया मैंने कुछ भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ रुपीज 3903 इज डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू सच डेट, पी और क्यू में बांट दिया जाता है इस प्रकार से
कि शेयर ऑफ पी एट द एंड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के बाद इज इक्वल टू शेयर ऑफ क्यू आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद का बराबर। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ पी, पी का शेयर बताना है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% कंपाउंडेड एनुअल। देखो ये सवाल मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, आप चाहो तो जाके वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहाँ पे देखो इसे मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ, 4% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/25, मतलब कोई अमाउंट 25 से क्या होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है P और Q का रेशियो, ध्यान से देखो P और Q का रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, अब एक चीज तो यहाँ पे तय है हमारा कि P कम समय के लिए है तो उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब इक्वल पैसा मिल रहा है, 8 साल में ही उसे 10 साल के बराबर मिल रहा है, तो उसका पैसा क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाला पैसा पी के साथ, कम वाला पैसा किसके साथ, क्यू के साथ। कितना साल का अंतर है 8 और 10 का, 2 साल का, तो 2 खत्म हो गया। पी और क्यू का रेशियो निकल गया 676, 625। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये देगा 1301, और यही 1301 3903 के बराबर है। तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा 1 की वैल्यू 3 है। किसका निकालने के लिए बोला है हमें सवाल में, पी का निकालने बोला है, यानी 676 का निकालना है। 676 × 3 तुम्हें क्या दे देगा, 2028। That is your answer. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 2028। ठीक है, तो जस्ट मैंने इस सवाल के लिए क्या बताया था कि कुछ भी दिए हुए रहे इस सवाल में दोनों के साल का अंतर देखना है। ठीक है, और ये जजमेंट करना तुम्हारा काम है कि अगर उसने कम साल में ही ज्यादा साल वाले के बराबर पैसा बना लिया तो उसका तय है कि उसने ज्यादा पैसा निवेश किया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो क्या, ए सम ऑफ रुपीज 3200 इज कंपाउंडेड एनुअली, 3200 रुपया कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, रेट देखो कितना बढ़िया, एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रुपी पर एनम। ठीक है, 10 पैसा प्रति 1 रुपया पे पर एनम, यानी कि वर्ष। ठीक है, अब जिसे ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो, जिसे समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट बोल देगा कि रेट 10%, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कभी कभी होता है, आगे मैं भी करूँगा, ध्यान से समझो क्या। 10 पैसा पर रुपी, 1 रुपये में 100 पैसा, 100 पैसा पे 10 पैसा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 100 का 10% मिल रहा है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 10%, और 2 साल के लिए निकालना है तो 10% का इफेक्टिव कितना होता है 21%। मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा 21/100। अगर यही मुझे निकालना होता, क्या निकालना होता, यही मुझे अमाउंट निकालना होता, मैं क्या लिखता 121/100 लिखता। ठीक है, तो 32 × 21 कर लो, 32 × 21 कितना दे देगा, 672 दे देगा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। तो आपने जो थंबनेल में देख रखा था ना सवाल, मैं उस सवाल की ओर बढ़ता हूँ, और उस सवाल के लिए मैं समझाता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके आ रहे हैं थोड़ा पीछे भी जाकर देख लो, पीछे भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बता रखा। ठीक है, और यहाँ से समझो एक नया कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि इस टाइप के सवालों को ट्विस्ट कैसे किया जा सकता है और कैसे कैसे होता है, ये भी देखो। अभी तक मैं ऐसा, इसके बाद वाला सवाल मैं बताता हूँ कि वो कैसा है, एक्चुअल में वो क्या है सवाल। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बोला था एक्सेप्शन होते हैं कुछ। ठीक है, ये सब सवाल एक्सेप्शन है। इस सवाल में तुम्हें देखो कहीं पे भी कंपाउंड की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये कुछ एक एक्सेप्शन है। इन जनरल ऐसे लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, ये तय रखना कि एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन चूंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस टाइप के बुक्स वगैरह या मॉक्स वगैरह में नहीं दिखते हैं, इस टाइप के सवालों में नहीं दिखते हैं, लेकिन एग्जाम में ये क्लियर दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलो देखो क्या है हमारा सवाल, ए सम ऑफ 3000 बिकम्स 3600 इन 3 साल। ठीक है, अगर कोई सम 3000 जो है वो 3600 बन जाता है 3 साल में 15% पर एनम पे, 15% पे, तो बताना है तुम्हें व्हाट विल बी द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट आफ्टर 9 ईयर, 9 साल के बाद कितना हो जाएगा वो वही सम, आपको ये बताना, मतलब 3000 ही 9 साल के बाद कितना हो जाएगा आपको ये बताना। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब साल हमारा गुणज में रहे, ठीक
ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, थ्री का थ्री टाइम्स है ना, 3 × 3 या 3 6 ईयर्स रहता, गुणज में रहे तो हमें सिंपल सा एक चीज देखना है कि 1 से 3 साल फर्स्ट ईयर से 3 ईयर जाने में कितना गुना हुआ है, ठीक है, लेट से ए गुना हुआ है। सिमिलरली वही ए गुना होगा 3 से अगले 6 साल जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ का गैप अगर 3 ईयर का है तो नेक्स्ट 3 ईयर का गैप भी फुलफिल करने के लिए उसे ए गुना करना पड़ेगा इस 3 साल के बाद के अमाउंट, ठीक है। फिर उसे 9 साल में अगले 3 साल का और गैप को फुलफिल करने के लिए उसे ए गुना करना पड़ेगा 9वें साल में जाने, 9th ईयर में जाने। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए से 9 में जाने के लिए तुमने क्या किया, ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया, दैट इज ए क्यूब, ठीक है, दैट इज व्हाट, ए क्यूब। अब यहां से समझो सवाल, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 3000 का ए गुना है 3600, तो तुम्हें ए की वैल्यू दिख रही होगी 6 से 5 बार में ए की वैल्यू दिख रही होगी 6/5, ठीक है, मतलब 6/5 गुना हर बार हो रहा है, और मुझे क्या करना है, इसे 3 बार और करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसे 3 बार और आगे लेके जाना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां से मैं एक क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर मुझे आगे लेके जाना है तो जितनी बार लेके जाना है, 3 से 9 का सफर 3 गुने का है, तो मैं क्या करूंगा, पावर 3 करूंगा। अगर मुझे पीछे आना है तो जितना पीछे आना है उतना क्या करूंगा, 1/1 करूंगा। अगर मैं यही बोलता, मुझे 9 साल का दिया हुआ था, 3000 से 3600 9 साल में होता है, और 3 साल का बताना होता तो मैं क्या करता, 1/1/3 करता, और यही हमें अगले सवाल में, मेन वाले सवाल में करना है। अब ये सवाल को देख लो भाई साहब, को सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा 3000 का मुझे 9 साल के बाद बताना है, तो आफ्टर 9 ईयर जो हमारा अमाउंट होगा, ठीक है, 9 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो होगा 3000 का 6/5, 3 बार 6/5, 6/5, ठीक है, 6/5, 6/5, 6/5 गुना कर लो। पहले यहाँ पे मैं गुना का भी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, 25 से अगर ये 1000 को काटोगे तो ये 40 बार में कटेगा, 25 यहाँ से खत्म, और 5 से इसे काटोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। यहाँ 125 से मैं काट सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, 8 या 24 × 216। अब इसके बाद तुम्हारा जैसा मर्जी गुना करने का, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में बताता हूँ मैं पर्सनली कैसे गुना करूंगा। मुझे दिमाग में ना ये टूट जाता है, ये 216 जो है 200 + 100 + 6, ठीक है, तो 24 को जब 2 से गुना करूंगा तो ये 4800 देगा मुझे, 24 को जब मैं 10 से गुना करूंगा तो ये 240 देगा, 6 भी मेरा टूट गया 5 + 1 में, चूंकि 24 × 5 करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, तो 24 × 5 मेरा कितना हो गया, 120 हो गया, और 24 हो गया, मैं तुरंत इसे ऐड कर दूंगा, 4 2 4 4 8, 8 2 10 1 11, 4 और 1 5 5 1 8 4 इज आवर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा हमें यही एक प्रोसेस को अपनाना है, और ये पर्टिकुलरली कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब हम लोग का मेन सवाल जो हमारा थंबनेल में दिख रहा था वो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग समझेंगे ये चीज को, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, 7200 अमाउंट्स टू 10368, ठीक है, तो 7200 का कितना गुना है ये निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10368/7200 को डिवाइड दे देना। मैं डायरेक्ट 72 से काटूंगा, इसे 100 और 72 से ये कट जाएगा 1 and 4 and 4, यानी कि 144/100 गुना है, ठीक है, कितने साल में मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 7200 अमाउंट टू इतना कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ सर्टेन टाइम, कोई एक टाइम, लेट से टी टाइम में वो 144/100 times होता। अगर यही मुझे पूछता 2t times में तो मैं क्या करता, पावर 2 कर देता। यही पूछता मुझे 3t times में, जैसे कि हमारा 3 से 9 हो रहा था तो 3 गुना हो रहा था, तो मैं पावर 3 कर देता। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या पूछा कि 7200 ही जो है हाफ ऑफ द टाइम में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द टाइम मतलब क्या, पीछे जाने को बोल रहा है, ठीक है, तो t/2 time में पूछा है। अगर ये यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर ये 2t time का पूछता तो तुम क्या करते, 144/100 का तुम कर देते स्क्वायर, लेकिन तुमसे क्या पूछा t/2 time का, तो t/2 time के लिए तुम क्या करोगे, 144/100 का पावर 1/2 कर दो। देखो तो कितना आ गया, 12/10 हो गया। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें मालूम है
जस्ट 72 100 का क्या निकाल दो, 12/10 निकाल दो, काट छाट दो। 1 0 12 2 24, 2 हाथ में, 12 7 84 और 2 86, 8640 हो गया हमारा आंसर नंबर ए। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान से समझना है, ये पर्टिकुलर इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये सवाल को थंबनेल में डाल कर रखा कि क्या तुम्हें इस सवाल को बनाने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा, हाफ ऑफ द टाइम बहुत रेयर देखा जाता है लेकिन ऐसा पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि नए नए सवालों को वो अडॉप्ट कर रहा है तो कैसे हम लोग फंसे नहीं, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करते जाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।